हेलो गाइस, वेलकम टू मास्टर शेफ भास्कर मौर्या किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो शायद आपने पहले ना देखी हो, विद यूनिक स्टाइल ऑफ कुकिंग मेथड। चलिए, ये डिश हमने कैसे प्रिपेयर की है उसे हम सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंग्रेडिएंट्स हैं सबसे पहले हमें फिश के स्लाइसेस काटने हैं और उसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हम उसमें डालेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑयल, आप यहाँ ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, ओरिगैनो, वन स्पून व्हाइट वाइन, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे हाफ एन आवर के लिए। हम एक पैन में ऑयल गरम करना है और फिश को रिफाइंड फ्लावर से डस्ट कर लेना है। उसके बाद हमें फिश को पैन में ग्रिल करने के लिए रखना है। पैन की हीट मीडियम हाई फ्लेम पे रहेगी, जिससे कि हमारी फिश में अच्छा सा कलर आ जाए। फिश को हमें अब पलट लेना है। यहाँ पर भी फिश को हमें एक अच्छा सा कलर दे लेना है। फिश को हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, हमें फिश को ऑलमोस्ट 70% कुक करना है, बाकी हम उसे सेकंड प्रोसेस में उसे कुक करेंगे। ये हमारी फिश हो गई है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और उसे हम साइड में रखेंगे। देखिए हमारी फिश कितनी जूसी लग रही है और उस पर कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब हम एक सेम पैन में हमें बटर लेना है, हाफ स्पून बटर डालेंगे और हमें इसमें बॉईल किए हुए बेबी पोटैटो उसको सौते करना है। और हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और डालेंगे ओरिगैनो। अब हम इसे अच्छे से सौते करेंगे। पोटैटो हमारे अच्छे से सौते हो जाए, देन हम उसे एक बॉल में निकाल लेंगे। हम इसे एक साइड में रख लेंगे। सेम पैन में हमें अब डालना है टोमेटो वेजेस और उसको भी अच्छे से सौते करना है। डालेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ओरिगैनो, उसको भी हम अच्छे से टॉस कर लेंगे। टोमेटोज को हमें ज़्यादा नहीं सौते करना है, इन्हें भी निकाल के बाउल में सेपरेट रख लेंगे। अब इस पैन में हम डालेंगे बटर। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाए हमें इसमें डालना है रिफाइंड फ्लावर, 40 ग्राम्स बटर और 40 ग्राम्स रिफाइंड फ्लावर डाल के हमें इसे अच्छे से भूनना है। हमें इसका कलर गोल्डन नहीं करना है, इसलिए हमें इसे स्लो फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे ताकि इसका कलर चेंज ना हो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, लम्स ना बन पाए, इसको हमें स्मूथ कंसिस्टेंसी में ले आना है।
ये हमारी व्हाइट सॉस जिसे हम बेशमल सॉस बोलते हैं वो रेडी है। इसको भी हम एक बॉल में निकाल देंगे। अब हमें एक पैन में ऑयल को गर्म करना है और उसमें डालना है थोड़ा सा हाफ स्पून बटर और इसमें डालना है स्लाइस अनियन, स्लाइस कैरेट और इन दोनों को हमें सौते करना है। थोड़ी देर सौते करने के बाद हम इसमें डालेंगे स्लाइस मशरूम्स, जूलियन कैप्सिकम और उसके बाद हमें इसे अच्छे से टॉस कर लेना है। चॉप गार्लिक ऐड करेंगे, अच्छे से सौते करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी वाइट वाइन ताकि हमारी वेजिटेबल्स में वाइन का फ्लेवर आ जाए और हमारी वेजिटेबल जो है वो मॉइस्ट हो जाए। और इसमें डाल देंगे हमने जो बनाई थी वाइट सॉस, उसको इसमें डाल के हमें मिक्स कर देना है। अब हम इसमें सीजनिंग डालेंगे, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ओरिगैनो, पेपरिका पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी क्रीम अच्छे से मिक्स करके हमें इसे एक बाउल में निकाल लेना है। अब हमें सिल्वर फॉइल ओपन करनी है। अप्रॉक्सीमेटली 75 सेंटीमीटर तक की हमें सिल्वर फॉइल काटनी है और उसके बाद उसको हाफ करके एक साइड में हमें बटर को स्प्रेड करना है सिल्वर फॉइल के ऊपर। अब सेंटर में हमें वेजिटेबल्स जो हमने सौते करी थी उसको रखना है और उसके ऊपर जो हमने फिश 70% कुक करी थी उसको उसके ऊपर रखना है और उसके बाद फिर वेजिटेबल्स और उसके बाद फिर उसके ऊपर फिश। ऐसे करके हमें 2 से 3 लेयर लगा देनी है। ये हमने थर्ड स्लाइस फिश का रख दिया है। अब हम यहाँ पे साइड में रखेंगे चेरी टोमेटोस। और इनके साइड में हम रखेंगे हमने सौते किए हुए बेबी पोटैटोस। अब हमें सिल्वर फॉइल को फोल्ड करना है और इसको एजिस से हमें अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमें इसके एजेस को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। अच्छे से हमें इसे फोल्ड करना है। इसके फोल्ड में हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अगर हमने इसमें अच्छे से प्रॉपरली हमने इसे फोल्ड नहीं किया तो हमारा इसके अंदर स्टीम नहीं रहेगी और स्टीम अगर कहीं से लीक हो गई तो हमारी जो डिश इसके अंदर है वो प्रॉपरली नहीं पक पाएगी। इसलिए हमें इसे अच्छे से इसको लॉक करना है। यस, ये हमारा अच्छे से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब बाद में आप इसे एजेस को अच्छे से प्रेस कर दें ताकि ये अच्छे से टाइटली सील्ड हो जाए। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप। अब हमें एक पैन को अच्छे से गर्म करना है और इसको उसके ऊपर प्लेस कर देना है। मीडियम फ्लेम पे हमें गैस को रखना है। जैसे जैसे पैन गर्म होगा
हमारा जो डिश है उसके अंदर स्टीम वेपोरेट होगी और जो हम देखेंगे हमारे सिल्वर फॉइल के अंदर अंदर ही अंदर स्टीम का प्रेशर बन जाएगा और इसी के अंदर हमारी वेजिटेबल्स और जो फिश है वो जो 70% फिश हमने कुक करी थी 30% हमारी इसी के अंदर कुक हो जाएगी। 5 to 7 मिनट हमें इसे पकाना होता है। अब हम करेंगे प्लेटिंग। ये हमारी डिश रेडी है। अगर इस तरीके से आप अपने कस्टमर और अपने गेस्ट के आगे ये डिश प्लेस करेंगे आपके गेस्ट का दिल खुश हो जाएगा इस डिश को देख करके और इसके अंदर से जो स्टीम निकल रही है बाहर और इसके अंदर इतना सुंदर हमारी डिश दिखाई दे रही है। गरम गरम हमारे कस्टमर के आगे गेस्ट के आगे ये डिश आप परोसेंगे तो आप उनको उनका फेस देख के बहुत हैरान रह जाएंगे और आप उसका टेस्ट करेंगे तो उस टेस्ट से और वो काफ़ी खुश हो जाएंगे। फिश प्रॉपरली पक गई है और कितनी सॉफ्ट है। ये हमारी स्टीम ग्रिल फिश रेडी है। लाइक एंड सब्सक्राइब मास्टर शेफ भास्कर मौर्य। थैंक यू सो मच।